इंडिया गठबंधन के 26 दलों में 11 और एनडीए गठबंधन के 38 दलों में 25 दल ऐसे हैं जिनके पास न कोई ताकत लोकसभा में है और न ही राज्यसभा में, और 6 दल तो ऐसे हैं जिनकी मौजूदगी देश की किसी भी विधानसभा तक में नहीं है। फिर भी ये दल 2024 की लड़ाई में इतने जरूरी क्यों हो गए? क्या है इनकी ताकत? आम सहमति, सभी दलों की सहमति है, एकजुट होकर लड़ेंगे। बिना नेता का और बिना दुल्हा की बराती कैसे होगी? तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि उन लोगों में एकता का प्रयास है, लेकिन एकता होने की संभावना नहीं है। इंडिया बन जाने के बाद एनडीए गठबंधन का जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, वह केवल फर्जीवाड़ा के आधार पर वैकल्पिक राजनीति में अपनी ताकत दिखाना चाहता है। कोई खेल यानी स्पर्धा होती है तो वहाँ टीमें होती हैं। टीमों में खिलाड़ी होते हैं, हर खिलाड़ी की भूमिका अलग अलग होती है। कभी कभी जो खिलाड़ी सबसे कमजोर दिखता है वही खेल की बाजी पलट देता है। एनडीए हो या इंडिया, दोनों के बीच ताकत की जोर आजमाइश का प्रथम चरण चल रहा है। दोनों साथियों की संख्या बल के आधार पर अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, जबकि एक सच ये भी है कि कई ऐसे दल हैं जिनके पास संसद के किसी भी सदन में कोई ताकत है ही नहीं। इंडिया में शामिल 26 में से 11 दलों का संसद के किसी भी सदन में एक भी प्रतिनिधि नहीं है। इसी तरह एनडीए में शामिल 38 दलों में 25 दलों का लोकसभा या राज्यसभा में कोई सदस्य नहीं है। फिर छोटे दलों पर बड़े दांव क्यों लगाए जा रहे हैं? छोटे दलों के दम पर बड़े दावे क्यों किए जा रहे हैं? छोटे दल बड़े खेल में क्या बदल सकते हैं? छोटे दलों को जोड़ना बड़े दलों के लिए क्यों जरूरी है? प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर बताया है कि चुनाव हम सिर्फ विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे। 9 साल से देश के प्रधानमंत्री जी लगातार इस देश में जो काम कर रहे हैं उसी पर चुनाव लड़ना है, यही एजेंडा है। लेकिन कुछ लोग सपना देख रहे थे प्रधानमंत्री बनने का, वो सपना उनका बेंगलोर में टूट गया। मैं भी 5 वर्ष रहा एनडीए में, आज तक कभी मोदी जी ने एनडीए की बैठक नहीं बुलाई, आज तक कभी बैठक नहीं हुई। हम भी 5 साल पार्लियामेंट में रहे एनडीए में, लेकिन नहीं हुई बैठक। अब उनको काहे का बैठक बुलाने का चिंता हो गया कि घबराहट में ही ना, हताशा में ही ना। बीजेपी ने जितनी तेजी से अपने साथी बढ़ाने शुरू किए हैं उसकी सियासत पर भले विपक्ष सवाल उठाए, लेकिन इसकी सियासी गणित बीजेपी अच्छे से जानती है। ओम प्रकाश राजभर की कहानी से इसको समझते हैं। राजभर का अगर अब एनडीए में स्वागत किया जा रहा है तो वोट बैंक की राजनीति के नजरिए से इसे देखिए। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की 10 सीटों पर बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। गाजीपुर की 7 सीटों पर बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। कौशाम्बी की भी 3 में से एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई। बस्ती की 5 विधानसभा में से सिर्फ 1, मऊ की 4 में से सिर्फ 1 और बलिया की 7 में से केवल 2 सीट बीजेपी जीत पाई। ये वो इलाके हैं जहां राजभर का वोट बैंक मजबूत माना जाता है, इसीलिए अब लोकसभा चुनाव में राजभर एनडीए का हिस्सा बना लिए गए। एनडीए की बैठक में सब लोगों ने सर्वसम्मत से ये निर्णय लिया कि आगामी 2024 के चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम हम सब लोग मिलकर के, गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सब लोग मिलकर के करेंगे। बीजेपी जानती है कि लगातार 2 बार सत्ता हासिल करने और कई राज्यों में अधिकतम सीट जीतने के बाद विपक्षी एकता चल गई तो नुकसान हो सकता है। 48 सीट वाले महाराष्ट्र में 2019 में बीजेपी ने 41 सीटें जीती। फिर शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी ने एक होकर महाविकास अघाड़ी बनाई। अब बीजेपी के साथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी आ चुकी है, यानी तैयारी पूरी है। 2019 में बिहार की 40 में से 39 सीटें जेडीयू एलजेपी के साथ मिलकर बीजेपी गठबंधन ने जीत ली थी। फिर जेडीयू अलग होकर आरजेडी के साथ चली गई। अब बिहार में बीजेपी ने चिराग पासवान की एलजेपी, मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है।
गठबंधन है, सभी पार्टियां जो आई थी एक स्वर में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सबने अपना नेता माना, उनके लीडरशिप में आगे चलने का काम किया और सबको विश्वास है कि जो शोषित वंचित अल्पसंख्यक पिछड़ा अति पिछड़ा जो भी आप कह लें गरीब सबको आगे लेके चलने में उनका विश्वास है। आज तक पूरे 9 साल में मुझे याद नहीं है एनडीए की कोई बैठक आहूत की गई थी, एनडीए की बैठक बुलानी पड़ रही है। लोगों को खोजा जा रहा है, छोटे छोटे दलों को, छोटे छोटे नेताओं को, जिसका एक भी मुखिया नहीं जीता होगा वैसे दलों को भी चिरौरी कर रहे हैं लोग और अपनी संख्या या ताकत बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बेचैनी दिखलाता है। छोटे दलों की अहमियत विपक्षी गठबंधन भी समझता है, इसीलिए उनको साथ लेकर चल रहा है। 2019 में 65 दल ऐसे थे जिन्हें 1% से भी कम वोट मिले लेकिन सीटें 30 जीती। इनमें से 13 दलों ने एक एक सीट, 4 दलों ने 2-2 सीट, 1 दल ने 3 और 1 दल ने 6 सीटें जीती, यानी कुल 30 सीटें बेहद छोटे दलों ने जीती।